सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने विकास भवन के सभागार में जिले के सभी बैंक कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जिले के सभी बैंकों के कर्मचारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद की योजना पर चर्चा की गई है। इसके अलावा उद्योग विभाग से संबंधित स्कीम पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि लोन के लिए बची हुई फाइलें हैं, सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि फाइलों का जल्द से जल्द निस्तारण कर लें। इसके अलावा गांव की समूह की महिलाओं का खाता समय पर खोलने के लिए बैंकों को निर्देश दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, बेसिकली तीन स्कीम्स जो है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना। सर, आपको थोड़ा सा अवगत कराना है कि पीएमजीडी में भौतिक लक्ष्य 84 है, उसके साथ ही फाइनेंशियल 264.86 है। हम लोग की प्रोग्रेस इस जो अभी तीसरा महीना है सर, 26 पैकेज में 87.21 लाख सैंक्शन हो चुकी है और 11 पैकेज में 27.38 वितरण हो चुका है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भौतिक टारगेट आपका 106 और फाइनेंशियल 205.64 है सर। इसमें भी 103 फाइल भेजी जा चुकी है, जिसके अगेंस्ट में 20 पत्रावली और इसमें 51.26 लाख सेंक्शन हो चुका है। जो आपको लगता है कि प्रथम दृष्टया और इस फोरम से डिस्कस हो चुका है कि 10 लाख तक कोई टोल लेटर सिक्योरिटी नहीं देगा, तो ऐसी पत्रावली जो आपको लगती है उसको सेंक्शन करते हैं और पोर्टल पर उसको मार्क करना है। जो आपका अप्रेजल हो भी रहा है, समीक्षा रिव्यू हो रही है, चाहे सर लोकल लेवल पर या शासन लेवल पर या मुख्यालय लेवल पर, वो पोर्टल की ही समीक्षा हो रही है, मार्क करना है। और पोर्टल पर मार्क होते ही आपकी अभी पता चला कि प्रोग्रेस है, तो प्रोग्रेस की भी समीक्षा हो रही है, तो आप लोग इसको पोर्टल पर जरूर मार्क करें। किसी बैंकर्स को किसी लेवल पर कोई समस्या हो तो बता सकते हैं या अपना कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं। उद्योग विभाग की जो समीक्षा है वो काफी सीरियसली की जाती है। दो तीन चीजें दोनों में बोला जा रहा है। हर मंगलवार को चीफ सेक्रेटरी सर डीसी देते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी सर डिपार्टमेंट वाइज एजेंडा, तो ये जो ओडीओपी का है या हमारे रेडीमेड गार्मेंट्स का है, जो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है, तो ये बहुत सीरियसली रिव्यू किया है। तो उसमें भी हमसे पूछा जाता है कि आपने बैंकर्स की मीटिंग कब की, इसका कार्यक्रम जारी करना, और उसमें बैंकर्स का क्या रिस्पॉन्स था। तो जैसे अभी रवि जी ने बताया कि आपको पोर्टल पे जरूर करना है, तो वो जरूर आप कर दीजिए, और एक्चुअल भी जो है दोनों चीज़ें एक मिला लीजिए, तो कहीं भी गोरखपुर का नाम आता है तो वो बहुत सीरियसली फ्लैग किया जाता है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, आप लोग का अच्छा सहयोग मिलता है। लास्ट ईयर इस विभाग के स्पेसिफिकली उद्योग विभाग के आपने टारगेट बहुत पहले ही 100% से ज़्यादा कर दिए, तो वैसे ही सहयोग की अपेक्षा है। होता क्या है कि ट्रांसफर हो जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, तो वो उस चीज़ को थोड़ा समझने में टाइम लेते हैं, तो जो पुराने लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि कई चीज़ें मुझे दिख रहे हैं पुराने हैं, तो वो लोग और जो नए आए हैं वो तुरंत इसको भी ले। इसके साथ एक और सुझाव आया है कि जब आपकी कोई भी मीटिंग हो उसमें उद्योग बंधुओं को ढूंढना है, तो नेक्स्ट टाइम से अभी आप ये रखेंगे कि बैंकर्स नहीं रहे, बैंकर्स तो रहेंगे इस मीटिंग में साथ साथ ये। तीसरा, सुबह जो मैंने आपको बोला था, समूह का हमारा बहुत बड़ा टारगेट आ गया है जो सरकार के 100 दिन के एजेंडे में भी है। हमारे यहाँ 900 समूह गठन हो चुके हैं, लेकिन ब्रांच लेवल पे उनके खाते ना खोलना बहुत ही क्रिटिकल है, और इसको बड़ा हम लोग सीरियस ले रहे हैं, मेरे द्वारा और डीएम सर द्वारा अब हम लोग एक्शन बोल रहे हैं। तो सारे लोग अपने नीचे ब्रांच पे जाके एक नाइट की इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है कि टॉप प्रायोरिटी पे समूह के खाते खुले। पिछले वित्तीय वर्ष में 2-3 फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा। जो फैक्ट है, 750 माइक्रो इंटरप्राइजेस हम लोग खड़े करता है समूह के, आप लोगों के लोन्स है उसमें किसी का 30,000 है, किसी का 20,000 है, और मिनिमम में वो अच्छा खासा रिटर्न भी है। तो आप देखेंगे जो छोटे लोन होते हैं वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, और जिस वर्क पर हम देते हैं उनको सबसे ज़्यादा भी है, और जितने भी माइक्रो इंटरप्राइजर लगे हैं वो सब अच्छे चल रहे हैं।
बैठक के लिए करते हैं। हाँ, ये आज जो हमारे बैंकर्स हैं गोरखपुर में, उन सबके साथ जो है कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई है। उद्योग विभाग द्वारा ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें जो उद्योग बंधु हमारे जो भी मुश्किलें फेस करते हैं उनको हम सीधा बैंकर से संवाद करते हुए हल कराते हैं। इसके साथ साथ उद्योग विभाग की जितनी भी स्कीम्स हैं जिसमें बैंकर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लोनिंग की या और भी जो हमारी स्कीम्स हैं खादी विभाग की भी, उसके लिए हम लोग ये बैठक मंथली करते हैं। आज ये बैठक डीएम सर की अध्यक्षता में की गई। इसमें जो हमारे जो लोन के लिए सैंक्शन बची हुई फाइलें हैं वो भी रहेगी। समूह की जो हमारी फाइलें हैं जिसमें समूह गठन हो गया है लेकिन बैंकर्स ने नहीं खोली है, एनआरएलएम के आजीविका मिशन के अंतर्गत, उस पर भी चर्चा की गई।